ऐसी होती है कि कौन है भाई, कहाँ से है, कैसी मानसिकता है? ये राक्षस हम और आप जैसे होते हैं, समाज में छुप के रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि बच्चियाँ कब बाहर निकले और हम उसका शिकार करें। और कानून कितना मजबूर है भाई, क्यों इतना मजबूर है, कौन है वो, इतनी साहस कैसे हो जाती है इन लोगों की? अस्त्र नहीं होते, उसका और भी तो कुछ औजार होता है, उसको काट दीजिए सबके सामने। सबसे पहले सरकार को फोन साइट बंद करना चाहिए, अगर है एक बाप का बच्चा तो कम से कम सामने करो ना। अरे हिम्मत है तो कम से कम फोन करो, उसके बाद मुंह लाल कर देंगे। आपने तो देखा ही होगा जिस तरीके से हैवानियत कलकत्ता में आरजेकर हॉस्पिटल, वो सेमिनार हॉल जहां 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसकी आंखें लग जाती है और दरिंदा उसको नोच लेता। एक और घटना बिहार में घटी, वो घटना क्या है मैं आपको बताती हूँ, मुजफ्फरपुर की घटना है। और अभी तक मुझे लगता है कि शायद मीडिया वाले को अब इसमें दम नहीं दिखता। 14 साल की बच्ची है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी तक आरोपी जो है वो भागा हुआ है। मैं बहुत जल्द वहाँ जा रही हूँ, वहाँ की हर स्थिति से अवगत आप लोगों को कराऊंगी। 14 साल की बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल जाने के क्रम में उसके साथ दरिंदा कहीं छिपा रहता है और फिर उसका बलात्कार करता है, उसके दोनों अस्तन काट दिए जाते हैं। सोचिए ये रूप कभी आपने दरिंदगी कभी ऐसा सुना होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान की जब बंटवारे में इस तरीके की घटना हम लोगों तक सुनाई गई थी और हम वो सुन रहे थे, क्योंकि हमारे गार्जियन ने हमें बताया कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इस तरीके की घटना घटित थी, कश्मीर में हुआ था। लेकिन बिहार में एक मनचले दरिंदे ने उसके घर में जाके बच्ची के फादर मदर को ये कहा कि शादी करा दो, 14 साल की बच्ची से शादी करा दो, अन्यथा हम इसके साथ वो करेंगे जो दुनिया देखेगी। और दुनिया ने देखा, पहले उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसके दोनों अस्तन काट दिए गए, उसके बाद उसके गुप्तांग में 56 चाकू मारा गया। ये बिहार की घटना है, प्रशासन कह रही है कि हम जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ेंगे। मैं बहुत जल्द आपके बीच उस खबर को दिखाऊंगी। इस तरीके की घटना बिहार में हुई है, कलकत्ता की घटना पूरे देश ने देखा, पूरे विदेश ने देखा। सेमिनार हॉल का कुछ वीडियो हमने आप तक लाने की कोशिश की, उसको दिखाया, लेकिन उस बच्ची 14 साल की बच्ची, और अब मैं आपको बताऊं कि 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ बिहार के जहानाबाद में। कैसे लोग हैं, क्या इंसानियत मर गई है? 2 साल की बच्ची जो गोद में रहती है माँ की, कौन है वो दरिंदा जो इस तरीके का काम कर रहा है? प्रशासन का खौफ नहीं, मानवता मर चुकी है। हमने सुना था कि राक्षस के दांत होते हैं, नाखून होते हैं, लेकिन ये राक्षस हम और आप जैसे होते हैं, समाज में छुप के रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि बच्चियां कब बाहर निकले और हम उसका शिकार करें। और कानून कितना मजबूर है भाई, क्यों इतना मजबूर है, ऐसे लोगों को कैसे पनपने दे रहे हैं, घटनाएं कैसे करने दे रहे हैं, कैसे होती है ये ऐसी घटनाएं, इसमें लगाम कब लगेगी? जरा सोचिए कौन है वो, इतनी साहस कैसे हो जाती है इन लोगों की? 2 साल के बच्चे का बलात्कार क्या है उसमें भाई, समझने की जरूरत है। ऐसे लोग हमारे बीच है और हम उसको पहचान नहीं है। सरकार नरेंद्र मोदी जी ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते? 370 को आपने बाहर
दोनों की ताकत समान रहती है, लेकिन जब जब बड़े होते हैं तो दोनों की ताकत में आसमान जमीन का फर्क होता है। और ऐसे लोगों को देखिए किस तरीके से हमारे समाज में घृणित मानसिकता वाले लोग जन्म ले रहे हैं। जब से सरकार ने पोर्न साइट को खोला है, तब से जो निठल्ले लोग हैं, जो दिन भर मोबाइल में रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और वो साइट को देखते हैं, विकृत मानसिकता पैदा करते हैं और ऐसे बच्चियों का रेप करते हैं। रेप के साथ भी अलग काम, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? प्रशासन इनको पकड़ दी है, बैठ के जेल में अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, तारीख पे तारीख होता है, फिर ये बगैर सबूत और गवाहों के बाद ये बरी हो जाते हैं। आज उसकी बारी, कल आपकी बारी हो सकती है। वोट लेने के लिए सब सरकार आगे आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का रेप करवाओ। कानून सख्त होना चाहिए। कलकत्ता में जो घटना घटी, सबसे बड़ी बात है, 150 ग्राम सीमेंस पाया गया। एक आदमी का काम होता है, अंधा है, उसकी आवाज बाहर न जा पाए, उस डॉक्टर की, उसको दीवार से चिपका दिया गया, उसके सर को, उसके मुंह पे सर पकड़ के उसका पूरा चेहरा दीवार से चिपका दिया गया। ये हैवानियत नहीं है? अरे किस किस पे वार करते हो? तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, अपना माँ बहन को छोड़ देते हो, दूसरे के माँ बहन के साथ ऐसा कृत्य करते हो, और भी छुपा गया है एक बाप का बच्चा, तो कम से कम सामने करो ना। देखो दिन दहाड़े लोग जिंदा जला देंगे, लेकिन ये लोग दरिंदा चोरी छिपे किसी की बहन बेटी छोटे छोटे बच्चियों को निशाना बनाते हैं, जिसे अकेला पाते हैं उसके साथ घृणित काम भी करते हैं, उसको मार डालते हैं। मैं बहुत परेशान होती हूँ जब ऐसी चीजों को मैं देखती हूँ। ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। अरे पीठ पीछे काहे करते हो? ताकि कोई निशान न रहे, कोई तुमको पकड़ ना पाए, फिर किसी और को शिकार बनाओ। जहानाबाद की घटना, 2 साल की बच्ची है, बताइए डायपर उसकी माँ उसको पहनाती होगी, 2 साल की बच्ची को तो ये होश भी नहीं होगा कि वो किसके साथ जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी महिला को मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल मत बनाइए वीडियो, पहले तो उसको, अगर उसके पास में कोई हथियार है तो होने दीजिए। 10 आदमी मिलकर 10 ईंटा मारिएगा तो उसका उसका सर फटेगा, उसको औकात समझ में आ जाएगी किसी निहत्थी लड़की को मारने का। अरे वीडियो क्यों बनाते हो? वहाँ से 4-5 ईंटा का इंतजाम करो, एक एक ईंटा मारोगे तो उसका सर फटेगा जो जिस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है। जरा गौर करिए ऐसे लोगों को जो कमेंट में भी गाली बकते हैं, यानी कि ये लोग खुद बलात्कारी है। अरे हिम्मत है तो कम से कम फोन करो, उसके बाद मुंह लाल कर देंगे, एड्रेस भेज देना, औकात बता देंगे। ऐसे ऐसे रेपिस्ट जो होते हैं छिप के किसी को कमेंट करते हैं। देखिए जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी कह रही थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये यही है कि हमारी बहन, आपकी बहन, माँ बेटी तभी सुरक्षित रह सकती है जब अगर कोई भी ऐसा शख्स किसी भी बच्ची या महिला के साथ छेड़खानी या बदतमीजी करता दिखे, तुरंत उसका विरोध कीजिए, वीडियो मत बनाइए, उसे घेरिए, पुलिस प्रशासन के हवाले कीजिए, जो करना है वो कीजिए, तभी आपकी, हमारी माँ बेटी बहन सुरक्षित रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो हमें क्षमा कीजिएगा, हमारे शब्दों में कुछ अगर त्रुटियां पाते हैं आप तो हमें बता दीजिएगा कि ऐसे ऐसे, लेकिन आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमसे हमारी गलतियों को आप समझाइएगा प्यार से, और जब मैं कुछ अच्छा करूंगी तो जरूर हमारे बारे में 2 शब्द लिखिएगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय माता दी।